हेलो दोस्तों, सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था मैथ का पार्ट फर्स्ट, और ये स्पेशली ओनली फॉर यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए है। और यूपी टेट एग्ज़ाम से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़ा क्वेश्चन तक आपको कराएँगे। तो यूपी टेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और फेसबुक पर लाइक एंड शेयर करना कतई मत भूलें। तो संख्या पद्धति में कल हमने आपको बताया संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये सब हमने बताया था। आज हम थोड़ा विभाज्यता बताएंगे और संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस, जैसे बार वाले ब्रैकेट आते हैं, बार ब्रैकेट के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे 0.9999, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको आपको बताएँगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका टाइम बर्बाद ना करके। और हमारा यही नहीं कि केवल मैथ का वीडियो बन रहा है, मैथ के अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, जिसमें से इंग्लिश का भी नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट का, इसके साथ साथ आपका साइकोलॉजी का दो पार्ट और एनवायरनमेंट का एक पार्ट पड़ा हुआ है। आज एनवायरनमेंट का एक पार्ट और मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन है आपका विभाज्यता, जैसे आपको आज हमें पढ़ाना है डिविजिबिलिटी क्या होती है, विभाज्यता क्या होती है। तो क्या विभाज्यता से क्वेश्चन आते हैं? हाँ आते हैं। इससे लिख दिया जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे कौन सा अंक भरें, और 7, जो कि 11 से विभाज्य हो जाए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन दे देगा। तो यही विभाज्यता होती है उसमें, यही तो आपको चेक करना होता है। तो विभाज्यता पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो पहले विभाज्यता में सबसे पहले देखेंगे आप दो की विभाज्यता, यानी दो से विभाज्य संख्या है। तो दो की विभाज्यता क्या होगी, यानी ऐसे कौन कौन से वो नंबर हैं जिनको, जो दो से विभाज्य होंगे। तो इसके लिए सब बच्चे जानते हैं, छोटे से छोटे बच्चे, बस आपको क्या करना है, दो की विभाज्यता के लिए आपको चेक करना है कि इकाई के स्थान पर, यूनिट डिजिट पर, इकाई के स्थान या आप कह सकते हैं यूनिट डिजिट पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर अगर यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं तो वो टोटल नंबर 2 से डिवाइडेड होगा। जैसे आपका है मान लो 3, 4, 7, 8, 9, 6, 2, 0, 5, 2, अब इतना बड़ा नंबर है तो आपको कह रहा कि बताइए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट, यानी ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो बस कुछ नहीं दोस्तों देखना है, इकाई का अंक आपने देखा जी, इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो ज़रूर ही वो नंबर 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो जो नंबर इकाई के स्थान पर या तो 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई भी अंक आ जाएगा तो वो आपका 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। तो अच्छा, 2 के बारे में भी कल हमने बताया था कि 2 एक कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य प्रथम सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से विभाज्य भी है और ये कई संख्या है आपकी, सम संख्या भी है। तो सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाज्य होती है। इसके बाद 3 की विभाज्यता आप कैसे करेंगे, 3 की विभाज्यता यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो भी आपके नंबर दिए गए, जैसे मान लो 4, 3, 2, अभी आपका नंबर दिया गया तो 4, 3, 7, 2, 9 आपको पहले क्या करना होगा, क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर के डिजिट का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। इस नंबर की डिजिट का सम यानी 4 + 3 + 2 करोगे 4, 3, 7, 2, 9, क्या 9 3 से विभाज्य है जी। अगर 9 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य के विभाज्यता के लिए आपने क्या सीखा कि अगर कोई नंबर दिया गया है उसके डिजिटों का सम अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 3, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये आपकी 3 की विभाज्यता होगी। इसके बाद हम देखेंगे 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता का मतलब वह कौन सा नंबर होगा जो 6 से आपका विभाज्य होगा। आप कैसे सेकंडों में पहचान लोगे कि ये नंबर 6 से विभाज्य होगा, तो 6 का आप फैक्टर करो भैया तो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी ऐसा नंबर जो 2 से भी विभाज्य है
और तीन से विभाज्य होगा वो पूर्णतया नंबर आपका छः से विभाज्य होगा। जैसे आपको एक नंबर हम दे रहे हैं आप, तो छः की विभाज्यता शायद आपने जान ली होगी कि ऐसा नंबर जो दो से भी डिवाइड हो और आपका तीन से भी डिवाइड होगा वो आराम से कितने छः से डिवाइड होगा। अब कोई भी नंबर ले लो, जैसे लिख लिया 3, 3 और 4, 2, तो 2 से तो डिवाइड है क्यों भैया, लास्ट अंक इकाई का अंक देखेंगे मतलब यूनिट डिजिट देखेंगे, और 3, 3 से डिवाइड करने के लिए आप देखो 3, 3 कट गया, 4, 2, 6 मतलब 6 क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो टोटली नंबर ये 6 से डिवाइड होगा, सबको पता होगा। आगे चलते हैं आप, आगे देखते हैं 6 की विभाज्यता के साथ हमारी आई 4 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता हमने बताई थी, इसके बाद 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता के लिए आप क्या करेंगे, यानी 4 की विभाज्यता के लिए आपको क्या करना होगा, 4 की विभाज्यता का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या, इफ़ एनी नंबर, यदि कोई संख्या जो आपका जैसे लिखिए 3, 4, 6, 9, 2 ये लिखा, ठीक है, ये कोई संख्या लिखी है, 2 की विभाज्यता में क्या देखते थे भाई, इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 4 की विभाज्यता में हम देखेंगे कि अंतिम 2 अंक मतलब यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों मिलकर यदि आपका 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चेक करें, 4, 4, 2, 8 कितना बचा, 1, 12, 4, 3, 12 दोस्तों ये नंबर 4 से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो 4 और 2 में ये है 2 का स्क्वायर, ऐसे करके मतलब ये ट्रिक है आपका कि 2 का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर करोगे आप ये आ जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर का मतलब हम जान लेंगे 2 डिजिट, और 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है आपका 8, तो ऐसे ही 8 की विभाज्यता बनती है कि अंतिम 3 अंक, जैसे लिखा 3, 4, 6, 9, 2 अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो आप इसमें से भाग दोगे 8 से, तो 8 से भाग देने के लिए क्या चेक करेंगे, 8, 7, 56 कितना बचा, अरे 8, 8, 64 कितना बचा बचेगा, 5, 52 क्या 8, 52 से विभाजित है, 52 8 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो भाई 2, 4 और 8 इनकी विभाज्यता में समानता है, अगर अंतिम 2 अंक कहने का मतलब है इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, वो 4 की विभाज्यता, ठीक है, इसके बाद आपका अंतिम 2 अंक क्या नाम अंतिम 3 अंक अगर आपके 2, 8 से विभाजित हैं तो वो 8 की विभाज्यता, और 2 की विभाज्यता होगी अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वो 2 की विभाज्यता होगी। तो 2, 4, 8, 3, 6 हमने बता दिया आपको, आप बताएंगे 9 की विभाज्यता, तो 3 की जिस तरह से 3 की विभाज्यता है वैसी आपकी है 9 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता में क्या था भैया कि डिजिट सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 3, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसका डिजिट सम जिसके अंकों का सम 3 से विभाजित होगा तो वो 3 की विभाज्यता है, और डिजिट सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 9, यानी उस संख्या की इकाई उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो टोटल संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपके सब नंबर हो गए, केवल 5 और बचा, तो 5 की विभाज्यता देखने के लिए 5 की विभाज्यता में ऐसे जानो कि यदि इकाई का अंक 2, 0 और 5 लिखा है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 और 5 लिखा है तो भाइयों वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसके बाद 10 की विभाज्यता के लिए तो आपको पता ही होगा बस अंतिम अंक 0 होना चाहिए तो वो संख्या 10 की विभाज्यता होगी, यानी 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी तरफ से कोशिश है, और नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से तिबारा से चार बार से मतलब जब तक समझ में आए ज़रूर आप देखते रहो। ये क्वेश्चन को बहुत बार लगाना और बहुतों क्वेश्चन को एक बार लगाना तो इससे बढ़िया है कि एक क्वेश्चन को बहुत बार लगाओ। कहने का मतलब इस वीडियो को बार बार देखो, आपका कन्फ्यूज़न है तो हमारे इस पर कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और हम आपको उसका अंतर
देंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपका है 11 की विभाज्यता। अच्छा, 7 की विभाज्यता अभी बाकी है। 7 की विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, 7 की विभाज्यता थोड़ा बड़ी है, तो सीधा सीधा ऐसा है, जब भी 7 की विभाज्यता होगी डायरेक्ट हम भाग देख लेंगे। क्यों ऐसा, इकाई का अंक का दोगुना करके फिर इसमें घटाओ, फिर ढाई के अंक का दोगुना, जब तक तुम दोगुना करते रहोगे तब तक 7 का सीधा डिवाइड नहीं कर सकते भैया। तो हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। तो 7 की विभाज्यता आप समझ गए होंगे, सीधा सीधा विभाजित करेंगे। इसके बाद 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद 11 की विभाज्यता, यानी कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो 11 की विभाज्यता के लिए हम चेक करते हैं कि कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई एक नंबर ले लिया हमने, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ये नंबर है आपका, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम अंक, सम स्थान, अंक नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, इनका सम निकालेंगे, यानी सम स्थान के अंकों का सम, विषम स्थान के अंकों का सम, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। अब इनको हम माइनस करते हैं, 15 में से 10 गया, 5 आया, तो क्या संख्या ये 11 से विभाज्य होगी, दोस्तों बिल्कुल नहीं। कब विभाज्य होगी तो ये भी पता होना चाहिए कि सम अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आए या 11 से विभाज्य जाए, 0 आए या 11 से विभाज्य जाए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे आपका शॉर्ट नंबर लिख लो 121, क्या 121 आपका 11 से विभाज्य है, सबको पता होगा कि 121 भाइयों 11 से विभाज्य है। तो हम जोड़ेंगे 1, 1, 2 और ये 2 माइनस 2 क्या आया, 0, हाँ 11 से विभाज्य है। 1, 3, 3, 1 11 से विभाज्य चेक करने के लिए, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0, 11 से विभाज्य है बिल्कुल 100%, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है जी। तो 11 की विभाज्य विभाज्यता हो गई आपकी। तो विभाज्यता का ये जो टॉपिक था अब क्या ख़त्म होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन यूपी टेट एग्ज़ाम में या एनी एग्ज़ाम जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किस तरह से आते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है सर। तो आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन, स्क्रीन कह रही है सॉरी, व्हाइट बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप पढ़ें एक बार, अपने से करें, फिर आप चेक करें क्या आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज करें, चलो मैंने मान लिया कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपने क्या किया होगा, उसको सॉल्व किया होगा, आप आंसर चेक कर सकते हैं। करा स्टार के स्थान पर एक संख्या है जो 5, 8, 2, 4, ये कहने का मतलब ये जो नंबर है वो स्टार पे एक संख्या ऐसी लिखी है जो 11 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो 11 की विभाज्यता अगर आपको पता होगी ना, तो ये सेकंडों में तोड़ दोगी। अब 11 की विभाज्यता आप रिकैप करो, क्या थी, हमने क्या कहा था, सम इकाई का स्थान, 5, 2, 7 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8, 4 कितना है, 12, 12 यहाँ है, 5, 2, 7 यहाँ पे कितना होना चाहिए, 12, क्योंकि इनका सम क्या आ जाएगा, 0 आए या 11 है, तब आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो भाइयों कितना आना चाहिए, 5 हो गया, एक सेकंड का क्वेश्चन। फिर कह रहा है 3, 3, 5 में 5A7, 5A7 जोड़ा जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, और जो परिणाम प्राप्त होता है वो 3 से पूर्णतया विभाजित है, तो एक के लिए कौन सी संख्या होगी, ये ऑप्शन आपके रखे हैं। तो देखो इसका सोल्यूशन आपको दिखाते हैं, तो सोल्यूशन लिखा है 3, 3, 5, इसमें जोड़ा आपने 5A7 एंड यहाँ पे लिखा आपने 8B2, और जो 8B2 है वो 3 से विभाजित है। तो मेरे भाई 3 से विभाजित होने के लिए हमने क्या कहा था, 3 से विभाजित होने के लिए आपको चेक करना है 8, 2, 10, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, बी की जगह क्या क्या आ सकता है, तो 10, 3 से 10 के लिए 2 आ सकता है, क्योंकि 10, 2, 12, 3 से विभाजित हो सकता है आपका 5 आ सकता है, क्योंकि 10, 5, 15 3 से विभाजित हो सकता है, 8 आ सकता है, 10, 8, 18, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो या तो बी की जगह या तो 2 होगा या 5 होगा या 8 होगा, लेकिन वो कह रहा है ए की जगह बताओ क्या आना चाहिए, बी तो नहीं पूछ रहा है। तो ए की जगह के लिए देखो 7, 5 जोड़ा 12 यहाँ पर कितना होगा, 1, 3, 1, 4 पहले ही से रखा है,
और यहाँ पे आपका मान लो जब दो रखते हैं, बी की जगह दो रखोगे आप, तो बी की जगह दो रखोगे, ये चार रखे इसका मतलब दो होगा नहीं, बी की जगह आप पाँच रखोगे। जैसे ही आपने पाँच रखे मेरे भाई, तो पाँच जैसे ही आपने रखा है तो आपका आ जाएगा चार, तो पहले ही से है, यहाँ पे कितना हो जाए कि बीस पाँच हो जाए, तो आपका बी का मान क्या नाम ए का मान वन भी हो सकता है। इसके बाद देखो आठ भी हो सकता है, बी अगर आठ है मान लो, तो ये चार और बी की जगह क्या आना चाहिए चार, तो वो ये कह रहा है ए का महत्तम मान, यानी ए का महत्तम मान या तो एक होगा या चार होगा, तो ऑप्शन में चार तो दिया गया नहीं, लेकिन रियल आंसर क्या आना चाहिए आपका चार, तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है तो एक होगा, और अगर ऑप्शन में दिया गया तो कितना होगा चार होगा। शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जो 18 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो आपने कर तो लिया ही होगा, देखो कितना टाइम लगाओगे, हम आपको करेंगे बहुत मिनिमम सेकंड में। 18 की विभाजिता के लिए कितने से कटने चाहिए, 9 और 2 से, तो पहले ये चेक करो 9 से, तो देखो नंबर आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, 2 से पहले चेक करोगे तो 2 से ये 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा क्या, 9 कट जाएगा नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा नहीं कटेगा, इसका मतलब 18 से ना तो नहीं कटनी चाहिए, तो ये तो कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन अभी केवल 2 की देख के हम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में से नहीं कटेगी 2 से, तो पहले 2 से नहीं कटेगी, 9 से चेक करने के लिए देखो ये तुम्हारा लिखा है 9, तो लिखा ही है 5 4 9 3, ये भी संख्या नहीं होगी, 9 से विभाजित करने के लिए 9 तो आना ही चाहिए, तो 5 4 9 और 6 3 9, तो कौन सी संख्या होगी आपकी, ये 9 से कटनी चाहिए, तो बस तुम सम 9 निकालो केवल, बाद बाकी आगे जितना भी बढ़ता चला जाए, जैसे 10 हो जाता मान लो 6 4 10, तो हम 9 मानते, एक शीर्ष मानते, एक नेक्स्ट संख्या में जोड़ देते, वह न्यूनतम संख्या जिसको इससे में से जोड़ दिया जाए तो 9 से विभाजित होने की चाहिए, तो देखो 5 आप जोड़ोगे 9 7 16 16, और 9 से विभाजित करने के लिए 16 नहीं, 7 6 13 9 4, यानी चार में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो चार में 5 ही तो जोड़ोगे तभी से 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दोस्तों आपको आज के लिए हम इतना ही करते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बस दोस्तों एक बार शेयर करते रहना ज़रूर, आपको वीडियो को शेयर करते रहोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको टोटली यूपी टेट की तैयारी कराएंगे, तो आप तो सुबह 6 से शाम 6 तक वैसे भी क्लास रहती हैं, फिर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।